नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं टेक्निक ज्ञान चैनल। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। और आज हम बात करने वाले हैं गूगल तेज ऐप के बारे में। ये गूगल तेज ऐप जो है क्या है और किस प्रकार से काम करती है, क्या पूरी तरह से सिक्योर है, तो इन्हीं सब की बात जो है इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अगर आप यूज़ करते हैं गूगल तेज ऐप तो आपको ये वीडियो जो है पूरा देखना और समझना किस प्रकार से जो है इसके अंदर क्या क्या होता है। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। उसके सामने मिलता है बेल आइकन, उसे दबाने से आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे मेरे द्वारा दिए गए वीडियोज़ के। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं गूगल तेज पेमेंट ऐप के बारे में, तो ये सब तो आप समझ गए होंगे किस प्रकार से, मतलब इसमें क्या होता है। इसमें पेमेंट ट्रांसफर होता है, आप रिसीव भी कर सकते हैं। और पहली बार जब आप लॉगिन करते हैं फिर किसी को जो है शेयर करते हैं ऐप, और अगर वो इंस्टॉल कर लेता है आपकी ऐप और वो आपको भेजता है 1 रुपया, तो उसके अनुसार जो है उसको भी 51 रुपये मिलते हैं और आपको भी जो है 51 रुपये मिल जाते हैं। तो ये ऐसा क्यों किया है गूगल ने? ये सिर्फ इस ऐप का जो है प्रसार करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए किया है ताकि सभी लोग जो है इसका यूज़ करना शुरू करते हैं। बस इसी हिसाब को लेकर ये 51 वाला तरीका गूगल ने अपनाया यहाँ पर, और इसका कोई मकसद नहीं है। आगे आपको जो है मैं बता दूं कि ये सुपर फास्ट ऐप है। सचमुच ही ये तेज़ नाम इसका जो दिया है वो सचमुच ही ये तेज़ ऐप है। क्यों है? क्योंकि आपको जो है ज़्यादा इसमें घूमना फिरना नहीं पड़ता, किसी बैंक से जाकर कोई डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं बनवाने पड़ते। अगर आपका मोबाइल नंबर बैंक से कनेक्टेड है पहले से ही, तो आप सिर्फ इसमें लॉगिन करते वक्त अपना वही मोबाइल नंबर इसमें डाल देते हैं और आपकी जो ऐप है वो शुरू हो जाती है। आप इसे ATM कार्ड से भी जो है शुरू कर सकते हैं। काफ़ी सारे इसमें अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं और ये भी जो है UPI बेस के ऊपर चलती है। तो UPI पेमेंट जो बेस है उसी के ऊपर जो है गूगल ऐप रन करती है। UPI का यहाँ पर मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और ये जो है एक पेमेंट का लेन देन का ही एक सिस्टम है, जैसा कि हम बैंक से करते हैं उसी हिसाब से। तो ये काफ़ी सरल यहाँ पर है, और जैसा कि आपने जो है भीम एप्लीकेशन को यूज किया होगा तो समझ लिए उसका ही जो है एक नेक्स्ट वर्जन है, एडवांस वर्जन है, उसी का जो है आप अपडेटेड वर्जन इसे कह सकते हैं। तो ये सुपर फास्ट है और पूरे इंडिया में जो है आज इसे यूज़ किया जा रहा है, तो काफ़ी अच्छी बात है। अगर ऐसी पार्ट सर्विस हमें मिल जाती है तो किसी को अगर पेमेंट भेजना है तो आपको ना बैंक में जाना पड़ता है, आप सीधे जो है इस मोबाइल में उसका नंबर अटैच करें, आपको भी कुछ मिलेगा और अगले को भी कुछ मिलेगा, और उसी के साथ जो आप जितना चाहें अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट ट्रांसफ़र सामने वाले को कर सकते हैं। तो उसके अंदर बिल्कुल भी टाइम भी नहीं लगता है और जल्दी जो है बैंक अकाउंट में पेमेंट भी आ जाता है। तो काफ़ी मतलब ये फास्ट सर्विस है और काफ़ी सारे बैंकों के साथ यहाँ पर जुड़े हैं। तो ये थोड़ी सी लंबी लिस्ट है, मैं आपको बता देता हूँ। तो एक्सिस बैंक है, HDFC बैंक है, ICICI जो बैंक है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ, और एयरटेल जो पेमेंट बैंक है उसके साथ भी लगभग जुड़े, और भी काफ़ी सारे बैंक हैं। लगभग टोटल मिलाकर ये 50 से 60 बैंक यहाँ पर हैं, जो कि प्राइवेट बैंक भी हैं और लिमिटेड बैंक भी हैं और गवर्नमेंट बैंक भी हैं। सारे जो बैंक हैं उनके साथ जो है गूगल ने यहाँ पर साझेदारी की है इस ऐप को चलाने के लिए। और गूगल जो तेज एप्लीकेशन है इसमें सिक्योरिटी की भी यहाँ पर बात कर लेते हैं। सिक्योरिटी के लिए आप सब जो है वेट कर रहे होंगे, तो सभी ट्रांजेक्शन जो हैं इसके अंदर तेज शील्ड के अंदर आते हैं, तो काफ़ी सुरक्षित हैं और ये अल्ट्रासोनिक के सिस्टम के ऊपर भी आधारित है। अगर आपके पास कोई दूसरा फ़ोन है तो उसे पेयर करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप उसे पास होना चाहिए, तो आप उसमें भी जो है पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे कि आप शेयर इट से एप्लीकेशन वगैरह आपस में शेयर करते हैं, उस हिसाब से मतलब ये सिस्टम भी हो जाता है। और उसमें भी जो है आपको एक UPI पिन दिया जाता है, जो कि सीक्रेटली आपको रखना होता है, 6 डिजिट का एक कोड होता है, तो उसे आप सुरक्षित रखें। वो कोड जो है काफ़ी सुरक्षित है, उसे लगाने से जो है एप्लीकेशन ओपन होती है। और यहाँ पर बात कर लेते हैं रिवार्ड्स वगैरह की, तो रिवार्ड्स भी इसमें खुलते हैं, कुछ कूपन्स वगैरह खुलते हैं जिनमें आपको जो है काफ़ी कुछ यहाँ पर मिलता है। तो 10 रुपये, 5 रुपये से लेकर आपको 1000 से लेकर 2000 रुपये तक जो है कूपन में मिल जाते हैं। अगर आपने खोला है कोई कूपन और उसमें निकल गया आपके 200 रुपये, तो आप जो है उसे अपने बैंक खाते के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मतलब वो तो अपने आप ही हो जाते हैं। तो उसे रिडीम कोड कर लेते हैं, तो उसके बाद जो है बैंक अकाउंट में वो पेमेंट भी चला जाता है। तो काफ़ी कुछ जो है इसके अंदर है। बार भी आप शेयर करके किसी को जोड़ते हैं उतनी बार जो है आपको कुछ पेमेंट मिलता है, और उतनी बार जो है आप एक कूपन यहाँ पर खोल सकते हैं। वैसे 7 दिन के अंदर ही आप एक कूपन खोल पाएंगे, तो काफ़ी अच्छी बात है ये। और इसके अंदर जो है काफ़ी फास्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया है। तो दोस्तों, पूरे इंडिया में जो है ये ऐप चल रही है, तो कहीं पर भी आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और कहीं से भी जो है वापस आप ट्रांजेक्शन करवा सकते हैं अपनी ऐप के अंदर, और उसके बाद जो है बैंक अकाउंट से आप वो बैलेंस निकाल सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी बात है यहाँ पर ये। तो दोस्तों, आशा करता हूँ थोड़ी बहुत जानकारी तो यहाँ पर मेरे द्वारा आपको मिली होगी इस ऐप के बारे में। जितना मुझे पता था मैंने आपको बता दिया, लगभग पूरी जानकारी आ गई होगी इसके अंदर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसे वीडियो आते रहेंगे। लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, वीडियो को एक लाइक तो यहाँ पर बनता है। अगर आपका कोई सवाल है या फिर कोई सुझाव है या फिर कुछ मुझे बताना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।